शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर, बियर पीने के शौकीन लोग गाड़ी में खाली बियर की बोतल रखते हैं, वो भी पानी पीने के लिए। कुछ तालमेल नहीं बैठता। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन का ये इम्प्लाई करना कि मेरे क्लाइंट्स उस रात शराब के नशे में थे इज अनसब्सटेंशिएटेड, एज फॉरेंसिक्स हैजंट फाउंड एनी अल्कोहल कंटेंट इनसाइड द कार। अच्छा, ये बताइए, उस रात आप पुलिस को देखकर भागे क्यों? उन्हें ये कहानी क्यों नहीं बताई? सर, चिल्ला चिल्ला कर पुलिस को कहते, आपको तो पता ही है, नारी शक्ति, लाल बत्ती मारते पहले हैं, सवाल बाद में पूछते हैं। सर, उसी रात करीब 1:15 बजे द्वारका एग्जिट पर एक और एक्सीडेंट हुआ, जहां एक्यूज की कार DL09-5555 एक मारुति 800 के साइड व्यू मिरर से जा टकराई। गौर करने की बात यह है कि ये वहां से भी भाग निकले, पर कार नंबर और इंसिडेंट का टाइम उत्तम नगर पुलिस स्टेशन की एक्सीडेंट रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। तो तुम चाहते थे रेप करना, पर कर नहीं पाए। हम क्या कह रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हो? अच्छा, क्या हमारी शक्ल से लगता है कि हम रेपिस्ट हैं? तुम्हारे दिखावे की नहीं, तुम्हारी हरकत की बात चल रही है। उस रात तुम लोगों ने गाड़ी क्यों छुपा दी थी? छुपाई नहीं थी, हमेशा की तरह सबको घर छोड़ा, उसके बाद वहीं फार्म हाउस पर लगवा दी। तो उस रात तुम नशा करके लौट रहे थे? सर, माय लर्नड फ्रेंड इज रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, दीज आर इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स। आई रिपीट, दिस हैज नो रिलेशन टू द केस। आगे गाड़ी का एक्सीडेंट होना, रात में ढाबे पे जाना, गाड़ी को फार्म हाउस पे छोड़ना, इन सभी का गाड़ी के अंदर हुए इंसिडेंट से कोई रिलेशन नहीं है। सर, एक्यूज्ड का ये कहना कि उन्हें एक इमेजिनरी चाकू की नोक पर लूटने की कोशिश की गई, फिर पुलिस को देखकर उनका भाग जाना, फिर उसी रात उनका एक और एक्सीडेंट करना, रस्सी और कपड़े जैसे सबूतों को गायब कर देना और गाड़ी को फार्म हाउस पर छुपा देना, सिर्फ यही दर्शाता है कि किशन और उसके साथी उस रात फॉल्ट में थे, इसीलिए उन्होंने गाड़ी से सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की। सर, कंप्लेनेंट और उसके भाई के साथ जबरदस्ती हुई, तब से लेकर अब तक एक्यूज्ड उसे छुपाने के लिए ना जाने कितने ही झूठ के पहाड़ तैयार कर चुके। जो कंप्लेनेंट और उसके भाई के साथ एक्यूज्ड ने किया, ना जाने और कितने लोगों के साथ किया होगा। उस रात एक्यूज्ड कंप्लेनेंट को देखकर नहीं, बल्कि पुलिस को देखकर भाग रहे थे, ऐसे जैसे कि गटर में जमादार के घुसने पर चूहे भागते। माइंड योर लैंग्वेज। सर, हम किशन के खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं, एज ही हैज लाइड अंडर ओथ, उस पर हम परजरी का चार्ज लगाएंगे। दैट्स इट, योर ऑल योर्स। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। अनंत जी, किशन अपनी जबान से पलट गया, वो झूठ बोल रहा है। उसने जो बोला वो बोला, तुम्हें कोर्ट के सामने ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मैंने तुमको सबके फोटोग्राफ्स दिखाए? पर मैंने तो सच ही कहा। हाँ, तुमने तो सच ही कहा था। वही सपना देखा? हाँ, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ, सब ठीक है, सब ठीक है। डॉक्टर, आपको कब पता चला कि ये दोनों लड़के हैं? हम दोनों लड़के हैं। व्हाट? हमने कुछ गलत नहीं किया। डॉक्टर, ये बताइए, संजू और देवी की बॉडी पर किस तरह के निशान या घाव मौजूद थे? देवी के सर पर बियर की बोतल फूटी थी। और ये कपड़े? उन्होंने फाड़े। तो उन्होंने आप दोनों के मुंह पे भी कुछ कपड़ा बांधा था क्या? कपड़ा ठूसा था और रस्सी से हमारे हाथ बांध दिए थे।
तो वो रस्सी या कपड़ा या कुछ है आपके पास? नहीं, पुलिस को देखते उन्होंने हमारे हाथ खोले, मुझसे कपड़ा निकाला और हमें गाड़ी से बाहर फेंक दिया। डॉक्टर, मुझे पुलिस से बात नहीं करनी है, मुझे बस अपने भाई को लेकर घर जाना है। देखो तुम डरो मत, हम पुलिस को कह दीजिए हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी। देखो अभी तुम अपने घर जा सकते हो, और अगर 2-3 दिन बाद तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें रिपोर्ट करवानी चाहिए तो तुम तभी कर सकते हो। तो आपने उनकी मदद क्यों की? जी क्योंकि वो सच बोल रहे थे। ऐसा आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि जिस तरह के घाव उनके बॉडी पे थे वो जनरली तब होते हैं जब फोर्स यूज हुआ हो, जैसे जबरदस्ती किसी को बंदी बनाया गया हो। मतलब रेप या रेप रिलेटेड इंसिडेंसेस में इस तरह के घाव होना बहुत ही कॉमन बात है। थैंक यू डॉक्टर। योर ऑनर, यह है उस रात के दोनों विक्टिम्स की रजिस्टर्ड मेडिकल रिपोर्ट और अटैचमेंट में उनकी बॉडी पर लगे चोट के निशान और उनके कपड़ों के फोटोग्राफ्स। इन्वेस्टिगेशन के दौरान विक्टिम्स के कपड़ों को नजफगढ़ पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया गया था। शालिनी जी। डॉक्टर, आप क्या कोर्ट के सामने अपना नाम एक बार फिर से दोहराएंगी? जी बिल्कुल, डॉक्टर वीना दीक्षित। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं? 2 साल से। 15 अगस्त की रात को आप कहाँ थी? जी मैं सिटी हॉस्पिटल में अपनी शिफ्ट पे थी। आपकी शिफ्ट कब और कितने बजे शुरू हुई और कब तक चली? जी मेरी शिफ्ट शुरू हुई 14 रात को 8 बजे और खत्म हुई कुछ 16 को शाम को 4 बजे। That must be exhausting. हम तो यहाँ सुबह 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बैठे बैठे थक जाते हैं, लेकिन लगता है आपको लॉन्ग शिफ्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी नहीं, अब तो आदत हो गई है। ग्रेट। उस रात देवी और संजू को आपके पास कौन लेके आया था? पुलिस लेके आई थी दोनों को। तो क्या आपने उनको देखते ही पहचान लिया था कि ये लड़कियां नहीं लड़के हैं? जी नहीं, इनफैक्ट मुझे यही लगा दोनों लड़कियां ही हैं। और आपने सोचा यू हैव टू ट्रीट देम? ऑफ कोर्स यस। उस वक्त लैब इंचार्ज मैं ही थी, पुलिस डायरेक्शंस भी थे, एंड इट्स माय ड्यूटी आफ्टर ऑल। तो आपने उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया? मैंने हॉस्पिटल गाइडलाइंस को फॉलो करके ही ट्रीटमेंट दिया था और उसी हिसाब से रिकॉर्ड्स भी बनाए थे। लेकिन डॉक्टर, आप तो जानती हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जो सभी अथॉरिटीज को फॉलो करना होता है। जी हाँ। क्या मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल। लेकिन आपने वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया? नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। रिपोर्ट के मुताबिक देवी का ट्रीटमेंट 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक चला और संजू का ट्रीटमेंट 3 बजे से लेके 3:50 तक। क्या आप बता सकती हैं कि देवी के ट्रीटमेंट में इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि देवी को स्टिचेस लगाने पड़े थे। देवी की कंडीशन संजू से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, एंड सिंस ही वाजंट इंटरैक्टिंग, इट वाज डिफिकल्ट। तो ऐसे डिफिकल्ट इंस्टेंस में आपके साथ वहां आपके सुपरविजर ने कोई आपकी मदद करने के लिए था? जी नहीं। कोई नर्स वगैरह? नहीं, नर्स भी नहीं। क्या आपने उन कॉम्प्लिकेशंस को किसी और के साथ डिस्कस किया था? जी नहीं। तो आप कह रही हैं डॉक्टर कि उनकी हालत इतनी खराब थी लेकिन फिर भी उनमें इतनी एनर्जी बाकी थी कि वो वहां बैठे बैठे आपको अपनी पूरी कहानी सुना देते? देखिए, सिर्फ संजू ने मुझसे बात की थी और ये बात आपने पुलिस को बतानी जरूरी नहीं समझी? नहीं, क्योंकि वो चाहते ताजमहल तो क्या वो भी ला देती? डॉक्टर एक बात बताइए, आपने विक्टिम से कपड़े जमा क्यों नहीं किए? देखिए, पेशेंट ने जितना अलाउ किया मैंने उतना किया, और वैसे भी उन्होंने अपने कपड़े जमा करवाने से मना कर दिया। डॉक्टर, क्या कोई ऐसा सच था जो आप पुलिस से छुपाना चाह रही थी इसीलिए आपने वहां से संजू और देवी को निकलने में मदद की? मतलब? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने कहा कि देवी उस रात रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, वो किसी से बात नहीं कर रहा था। जी हाँ। ये ठीक है? जी बिल्कुल। और आपने उसके घाव पे स्टिचेस लगाए? जी बिल्कुल। डॉक्टर, आपको लगा नहीं कि देवी को MRI की जरूरत थी? आपने उसका MRI क्यों नहीं करवाया? चोट देखकर MRI करने की जरूरत नहीं लगी थी। हो सकता है उस रात अगर देवी का MRI हो जाता तो उसको जल्दी डायग्नोज किया जा सकता था और वो आज कोमा में नहीं होता। डॉक्टर, कल अगर देवी की मौत होती है तो क्या ये कहना मुनासिब होगा कि उसकी मौत की जिम्मेदार आप हैं? Objection, Your Honor. Defense is trying to pressurize the witness. Sustained. सर, उस दिन करीबन 30 घंटे से ऊपर की शिफ्ट कर चुकी डॉक्टर वीना दीक्षित, अ न्यूली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर जिन्होंने अपना ड्यूटी बाउंड प्रोसीजर बिना खत्म किए एक अजनबी की बातों में आके पुलिस से झूठ कहा। MRI ना करवाना, सेक्सुअल असॉल्ट केस में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ना फॉलो करना, यही दर्शाता है कि ये कोई गैंगरेप असॉल्ट का केस था ही नहीं। कोर्ट के पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो डॉक्टर वीना दीक्षित के स्टेटमेंट को विदाउट अ डाउट एक्सेप्ट करे। दैट्स ऑल योर ऑनर। संध्या, इस कोर्ट में ऐसा कोई नहीं जो संजू को तुमसे बेहतर जानता। क्या हादसे के बाद से अब तक संजू में कोई बदलाव आया है? जी, संजू
होता तो हमारे पास है पर हमारे साथ नहीं होता। सबसे लड़कर वो यहाँ तक पहुँच गया है मगर अकेले में अब भी वो खुद से लड़ रहा है। कितनी बार देखा है मैंने उसे खुद को आईने में घूरते हुए, ऐसे जैसे अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा हो। थैंक यू संध्या। योर ऑनर, योर विटनेस। संध्या जी, दैट्स अ रियली नाइस स्टोरी। क्या ये वही रिंग है? जी। ब्यूटीफुल। कितने की है ये रिंग? मैं नहीं जानती। आप जानती नहीं या आप जानना नहीं चाहती? आपको पता नहीं कि आपका मंगेतर जिसकी तनख्वाह केवल 15,000 रुपए है वो इतनी महंगी रिंग कहाँ से खरीद सकता है? ये उसने अपनी सैलरी में से बचाकर खरीदी है। अगर वो सैलरी में से बचा के ऐसी रिंग दे रहा है तो वो खा क्या रहा है? खर्चे कहाँ से निकल रहे हैं उसके, कभी सोचा है आपने? या आप सोचना ही नहीं चाहती? आपको फर्क नहीं पड़ता ना कि वो पैसे साड़ी बेच के कमा रहा है या रात के अंधेरे में लोगों को लूट कर? जैसा कि मेरे लर्नेड फ्रेंड ने कहा कि आप संजू को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, तो क्या कहेंगी आप? मैं संजू को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और अगर आप उसको थोड़ा सा भी जानती तो आप ये सवाल नहीं पूछ रही होती। सवाल पूछना इज आवर जॉब। नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। स्मिता जी, क्या आप संजू से पहले भी मिल चुकी हैं? जी, संजू और संध्या को हम एनजीओ में मिले थे। वो हमसे मदद मांगने आए थे लेकिन हमें उन्हें ना कहना पड़ा। क्यों? वही जो मैंने संजू और संध्या से भी कहा था कि हमारा एनजीओ सिर्फ औरतों की मदद करता है। हर एनजीओ की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसे कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं। जब भी कोई औरत एज ए रेप विक्टिम आती है तो हमारी लीगल टीम, ह्यूमन रिसोर्सेज और काउंसलर्स के पास कुछ ऐसी एक्सपर्टीज है जिसकी वजह से हम उसकी सहायता कर पाते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई मर्द हमसे मदद मांगने आता है तो उसे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई बेस नहीं होता। आपकी पर्सनल राय में रेप क्या सिर्फ औरतों के साथ ही पॉसिबल है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। स्पेक्यूलेशन। ओवररूल्ड। जी, मैं मानती हूँ कि रेप किसी के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। आपने कहा रेप किसी के साथ भी हो सकता है, तो क्या नकली रेप, झूठी रिपोर्ट्स और फेक स्टोरीज ये भी कॉमन है? जी, कभी कभी ऐसे भी देखने में आए हैं लेकिन हर एनजीओ हर केस को इवैल्यूएट करने के बाद ही रिहैब और सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपने संजू के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। आप उसका केस किसी और को रेफर भी कर सकती थी, आपने वो भी नहीं किया, क्यों? जी, संजू का केस एक बहुत ही बड़े ग्रे एरिया के अंदर आता है और हम नहीं जानते कि संजू सच बोल रहा है या झूठ। थैंक यू स्मिता जी। उस रात जब आपने इन दोनों को देखा तो इनकी हालत कैसी थी? बहुत डरी हुई थी साहब, देखकर ही लग रहा था कि इन पर कोई काम कर चुका है। थैंक यू। पर दिलासा देने से पीछे नहीं हटे हम, बहुत संभाला है। थैंक यू गुप्ता जी। जी जी। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। डॉक्टर, आज देवी की हालत कैसी है? ही इज स्टिल इन अ क्रिटिकल स्टेज। सर्जरी हम कर चुके हैं बट द पेशेंट इज स्टिल इन कोमा। उसे रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है पर इससे ज्यादा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर, देवी को किस हालत में आपके हॉस्पिटल लाया गया था? देवी बेहोश हालत में हॉस्पिटल पहुंचा था, तब तक इंटरनल क्लॉट्स एक बड़े एरिया को अफेक्ट कर चुके थे। देवी की सिचुएशन इज अ ग्रेजुअल वर्सनिंग इफेक्ट। डॉक्टर, ये क्लॉट्स क्या किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट के लगने से हो सकते हैं? जी। और क्या ये किसी शार्प ऑब्जेक्ट के लगने से भी हो सकते हैं? क्वाइट पॉसिबल। थैंक यू डॉक्टर। योर ऑनर, उस रात हुए हादसे में It was the intent of the accused to hit the complainant and his brother in the worst possible ways. ये सिर्फ accused की modus operandi नहीं, बल्कि उनकी हिंसक सोच भी दिखाता है। देवी की हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये हादसा है। डॉक्टर, क्या आप identify कर सकते हैं कि देवी के internal clots किसी sharp object से हुए या किसी blunt object से? No, I can't. It could be either one. तो आप sure नहीं हैं? नहीं, इट कुड बी आइदर और बोथ। थैंक यू डॉक्टर। सर, डॉक्टर राणा इज ओनली अ सर्जन ट्रीटिंग देवी, जो खुद अनश्योर है ऑब्जेक्ट के बारे में। यहाँ प्रोसिक्यूशन ने एक बहुत लेम अटेम्प्ट किया है देवी की हालत पे सिंपैथी बटोरने का। मेरे क्लाइंट्स ने बॉटल केवल सेल्फ डिफेंस में यूज की थी,
चलती गाड़ी से कूदने के बाद अपनी हालत के जिम्मेदार खुद संजू और देवी हैं। देखो पेपर्स, कर्ज ले रखा है, घर गिरवी रखा है, इसमें बैंक के पेपर्स भी हैं। संजू मुझे तुम पे कोई डाउट नहीं है, मैं जानती हूँ तुम झूठ नहीं कह रहे हो। देखो कोई तुम्हारे खिलाफ हजारों झूठ बोलकर झूठ का पहाड़ भी खड़ा कर देना, फिर भी मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं बदलने वाला। आओ आओ बैठो इधर आओ। राजकोट में जो कुछ भी हुआ, मुझे लगा हम दोनों, हम तुम हो, इसलिए आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। बस अगर यही नहीं बचा तो फिर बचा क्या? वैसे एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एक डॉक्टर आना बाकी है, आपको क्या लगता है मामला अभी भी थोड़ा टाइट है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बलविंदर सिंह की रिपोर्ट्स और उसकी रेपुटेशन दोनों ही रद्दी बराबर हैं। देयर जंक, इवन डॉक्टर के पास कुछ नया नहीं है। दे विल बी गॉन बिफोर यू ब्लिंक, यू डोंट हैव टू वरी। बस यही यही तो चाहिए। यही चाहिए। कहाँ है शालिनी जी? लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेशंस। केस नंबर 2/2012 मनोहर लाल कांदिया बनाम दिल्ली म्युनिसिपल बोर्ड। माय अपोलॉजीज योर ऑनर, बट आज मेरे क्लाइंट्स कोर्ट नहीं आ सकेंगे, वे सभी शहर से बाहर हैं। ये रहा उनका एग्जम्पशन एप्लीकेशन। सर मेरी कोर्ट से यही रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रोसीडिंग को 2-3 हफ्तों के लिए एग्जर्न कर दे। ये रहा उनका एग्जर्नमेंट एप्लीकेशन। बस कार फ्लाइट जो भी मिलता है वो पकड़ के जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहिए। और हाँ, डॉक्टर साहब को इंडिया पाकिस्तान मैच के बीच में से घर से उठा के लाए हैं, उनको आने जाने के 1,000 रुपया दे दीजिएगा। प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 5 इज साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर भान। कसम खाइए मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। मैं कसम खाता हूँ जो भी कहूंगा सच कहूंगा। डॉक्टर शुरू करें? यस। वुड यू प्लीज शेयर योर क्रेडेंशियल्स विद द कोर्ट? यस श्योर। माय नेम इज डॉक्टर वेद भान एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने डॉक्टरेट किया हुआ है और मैं वहाँ पे साइकोपैथोलॉजी पढ़ाता भी हूँ। आई एम ए लाइसेंस्ड मेंटल हेल्थ काउंसलर एंड आई प्रैक्टिस इन दिल्ली ओनली। डॉक्टर क्या संजू वॉलंटरली आपके यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आया था? नो, संध्या संजू को मेरे पास लेके आई थी। इनिशियली ही वॉज अ बिट हेजिटेंट, थोड़ा अवॉइड कर रहा था, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट गॉट रियल। सेक्सुअल असॉल्ट और गैंगरेप जैसे केसेस में पेशेंट्स किस तरह के सिम्टम्स दर्शाते हैं? देयर आर प्लेंटी, एंग्शियस हो जाना, डिप्रेशन, नाइटमेयर्स का आना, मन में भिन्न भिन्न तरीके के बदला लेने के विचार आना, लोगों के साथ आई कॉन्टेक्ट न बना पाना, पैनिक अटैक, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, बहुत फ्रीक्वेंटली रेस्टलेसनेस, गुस्सा आना, ये तमाम ऐसे सिम्टम्स हैं जो इस पेशेंट के बर्ताव में पाए जाते हैं। डॉक्टर क्या लड़के और लड़की ऐसे हादसे के बाद सिमिलरली रिएक्ट करते हैं? देखिए वैसे दोनों में फीलिंग्स और अपीयरेंस जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, बट अपीयरेंसेस आर डिसीविंग। भले ही वो एक बंद कमरे में बेचैन होते हैं और रोते हैं, लेकिन उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि पब्लिक के सामने वो बड़े ही कंपोज नजर आए। क्या आपको ये सिम्टम संजू में भी नजर आए? ऑफ कोर्स। सो आप संजू को तब से अब तक ट्रीट कर रहे हैं, व्हाट डिड यू डायग्नोस डॉक्टर? संजू दरअसल PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक
स्ट्रेस डिसऑर्डर से ग्रसित है। संजू को देखकर लगता नहीं कि उसे मेंटल ट्रॉमा है। क्या वो ट्रॉमेटिक पेशेंट्स की तरह बर्ताव करता था? नहीं नहीं, देखिए बर्ताव और भाव ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और दरअसल बात यह है कि जो मर्द हैं वो हमेशा अपने इमोशंस को दबाते हैं, छुपाते हैं और हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर उनकी जगह कोई और ऐसी स्थिति में होता तो वो कैसे रिएक्ट करता। ऐसा क्यों? दरअसल हमारी सोसाइटी मुश्किल पैदा कर देती है मेल्स को अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसे केसेस को अगर ट्रीट ना किया जाए तो क्या हो सकता है? देखिए जनरली जो हादसे के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो हादसे के कई सालों के बाद तक भी पेशेंट को परेशान कर सकते हैं। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि बड़े अजीब से सिम्टम्स कई सालों के बाद भी आप देख सकते हैं। मसलन अपना बदन खुरचना, बार बार नहाना, सेक्सुअल लिबिडो को लूज कर जाना, सुसाइडल टेंडेंसी का डेवलप हो जाना और पूरी तरह से सोसाइटी से अलग थलग पड़ जाना, सोसाइटी से कट ऑफ कर लेना। द बैड ऑलवेज हैज द पॉसिबिलिटी टू बिकम द वर्स्ट। तो क्या संजू आज एकदम ठीक हो चुका है? नो, संजू अभी लड़ रहा है अपने नाइटमेयर से, डिप्रेशन से, अपने खोए हुए आत्मविश्वास से और अपने मन के अंदर के डर से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू। दैट्स ऑल योर ऑनर।